Dr. Sham Sunder, working as a senior consultant nephrology at Kailash Hospital, Noida. आज का दिन 8 मार्च 2018 एक महत्वपूर्ण दिन है. इस दिन बोथ दोनों वर्ल्ड किडनी डे और इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य है वुमेन्स हेल्थ, स्पेशली किडनी हेल्थ ऑफ द ऑल द वुमेन्स ऑफ द वर्ल्ड. एवरी वर्ल्ड किडनी डे हर साल सेकेंड थर्सडे ऑफ द मार्च को मनाया जाता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है टू रेज अवेयरनेस ऑफ किडनी डिजीज, के गुर्दे रोगों की जागरूकता लाना एंड हाउ टू प्रिवेंट अ किडनी डिजीज, हम गुर्दे रोग से कैसे बच सकते हैं. मैं आपको बताऊंगी हमारे देश में गुर्दे रोग एक महामारी का रूप धारण कर चुके हैं. हर 10 पुरुष में से एक पुरुष गुर्दे रोग से ग्रस्त है. मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में गुर्दे कैसे काम करते हैं, कौन कौन से गुर्दे की महत्वपूर्ण बीमारियां होती हैं, उसको कैसे डायग्नोज किया जाता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं. हमारे शरीर में दो गुर्दे हैं जो कि बीन के आकार के होते हैं और एक फिस्ट साइज के होते हैं. ये एक हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है. गुर्दे जो हैं ये खून को फिल्टर करके इसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिससे जितने भी हमारे खाने पीने से दूषित पदार्थ हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा पानी शरीर में जाता है वो यूरिन के माध्यम से शरीर को बाहर निकाला जाता है. इसके अलावा गुर्दे जो हैं हमारे सारे मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के और एसिड बेस को सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एसिड बेस का संतुलन बनाए रखते हैं. मैं ऐसे कहता हूँ गुर्दे जो हैं हमारे शरीर के एक मास्टर केमिस्ट ऑर्गेन है. इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर का, रक्तचाप का लेवल मेंटेन करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं जैसे एर्थ्रोपोएटिन, जिससे हमारे खून का हीमोग्लोबिन बना रहे ताकि अनीमिया ना हो, और एक्टिव विटामिन डी बनाते हैं जिससे हमारी बोन की स्ट्रेंथ बनी रहे. अगर हम देखें सबसे कॉमन बीमारी गुर्दे की होती है, उसे कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज. हमारे शरीर के जो दोनों गुर्दे 3 महीने से ज़्यादा डैमेज के एविडेंस हो तो उसे हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज. क्रोनिक किडनी डिजीज जो है ये इरिवर्सिबल, इनक्योरेबल और प्रोग्रेसिव डैमेज है, जिसमें गुर्दे का रोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और अल्टीमेटली ऐसी स्टेज आती है जिसे हम टोटल नियर टोटल किडनी फेलियर या एंड स्टेज रीनल फेलियर कहते हैं, जिसका इलाज सिर्फ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे जिससे गुर्दा प्रत्यारोपण या डायलिसिस. सबसे बेस्ट इलाज जो है गुर्दा प्रत्यारोपण है, जिसमें गुर्दे रोग को एक नई जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी की होती है, जिसमें गुर्दा प्रत्यारोपण किसी कारण से नहीं हो सकता उसमें सिर्फ डायलिसिस की उपचार है और डायलिसिस से भी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सकती है. बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ट्रीटमेंट जो हैं बहुत ही कॉस्ट प्रोहिबिटिव हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है. सिर्फ हमारे देश में 10% लोग ही इसका इलाज कर पाते हैं और हमारे देश में हर साल 2.5 लाख के करीब नए एंड स्टेज किडनी फेलियर हमेशा हमेशा ऐड होते रहते हैं. बाकी सब पेशेंट जो इलाज नहीं कर पाते दे बिकम डियर टू. अगर हम देखें ये गुर्दे रोगों का क्रोनिक किडनी से कारण, मुख्य कारण क्या है, ये देखा है 70% लोग किडनी डिजीज के जो हैं ये आइदर मधुमेह या डायबिटीज से पीड़ित हैं या वो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं. थर्ड कॉमनेस्ट काज है ग्लोमेरुलर नेफ्रिटिस, जिसमें फिल्टरिंग यूनिट ग्लोमेरुलाई का इन्फ्लेमेशन हो जाता है ऑटोइम्यून डिजीज से, जिससे प्रोटीन या ब्लड यूरिन में लीक करना शुरू कर देते हैं. इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारण है गुर्दे में, दोनों गुर्दों में स्टोन होना, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना जिसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, या कोई पेशेंट पेन किलर्स या किडनी टॉक्सिक मेडिसिन काउंटर से लेता रहे जिसे हम एनर्जेटिक एब्यूज भी कहते हैं. उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है जेनेटिकली इनहेरिटेड, जो फैमिली में चलती है इनहेरिटेड किडनी डिजीज, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज. आजकल ये देखा गया है कि ओबेसिटी, ओवरवेट पर से कैन आल्सो कॉज किडनी डैमेज. अब हमें देखना है गुर्दे रोग के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता लगे किसी पेशेंट को गुर्दा रोग है.
ये देखा गया 90% पेशेंट जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, नॉर्मली रूटीन टेस्ट कराते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, किसी बीमारी के लिए टेस्ट कराते हैं, तो तब पता लगता है कि उनकी किडनी डिजीज काफी एडवांस स्टेज पे है। ये देखा गया 50% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी एडवांस किडनी फेलियर के होते हैं जब उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। इसका मुख्य कारण है कि जब तक 70% से ज्यादा किडनी डैमेज नहीं हो जाती दोनों किडनी मिला के, तब तक उनको कोई लक्षण नहीं उत्पन्न होते। दैट द रीजन इट इज नोन एज साइलेंट किलर, और हमें कोशिश करनी है हमें स्क्रीनिंग से इसके जल्दी से जल्दी मरीज को डायग्नोज करना चाहिए। और तीसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर। ये देखा गया कि यंग पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर होता है यूजली 90% जो गुर्दे रोग की वजह से होता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर बहुत देर तक रहे वो भी किडनी को डैमेज कर सकता है। जैसे गुर्दे की डैमेज होती है प्रोटीन यूरिन में लीक करना शुरू कर देते हैं, यूरिन में झाग आती है जिसे हम फ्रॉथ यूरिया कहते हैं, और उससे मरीज में स्वेलिंग आती है। सबसे पहले स्वेलिंग ज़्यादा फेस पे होती है या पैरों पे होती है। जैसे गुर्दा रोग बढ़ता है आस्ते आस्ते तो हमारे ब्लड में जितने भी दूषित पदार्थ हैं जैसे यूरिया क्रिएटिन उनकी मात्रा बढ़ने लगती है, तो मरीज को इजी फटीगनेस होती है, जल्दी थक जाते हैं, सांस का फूलते हैं या भूख कम लगती है या वेट लॉस होता है। और जैसे किडनी डिजीज बढ़ जाती है तो उसको नौजिया, वॉमिटिंग और स्किन ड्राई हो जाती है और शरीर में इचिंग हो जाती है। कभी कभी जो एडवांस किडनी फेलियर हो जाए तो मरीज बेहोश की हालत में भी आता है, उसको दौरे भी पड़ सकते हैं। हम इस मरीज के किडनी डिजीज को डायग्नोज कैसे करते हैं, इसके बड़े सिंपल टेस्ट हैं। एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे हम सीरम क्रिएटिनिन मेजर करते हैं, और इससे हम GFR मेजर कर सकते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे गुर्दे किस रेट से ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं। दूसरा टेस्ट है यूरिन पर प्रोटीन या अल्ब्यूमिन। दोनों टेस्ट बहुत ही सिंपल हैं और इनकी कोई कास्ट नहीं है। अब बेसिक एम हमारा ये है कि हम इस गुर्दे रोग से कैसे बच सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जितने भी हाई रिस्क पेशेंट हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, एल्डरली एज पेशेंट या जिनको स्टोन की बीमारी है या जो एनालिसिस लेते हैं जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है, उनका रेगुलर ब्लड और यूरिन टेस्ट कराना चाहिए। जैसे कि मैं डायबिटीज की बात करूं, जैसे ही डायबिटीज डायग्नोज होती है हर 6 महीने या 1 साल में इनका यूरिन टेस्ट जरूर हो जाना चाहिए, जिसे फॉर एग्जाम्पल एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसमें छोटी से छोटी मात्रा में एल्ब्यूमिन माइक्रोल्ब्यूमिनिया को भी हम टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि इस मरीज को डायबिटीज किडनी डिजीज होने जा रही है। अगर हम इसको इस स्टेज पे डायग्नोज कर लें और ढंग से इसका उपचार कर लें तो हम डायबिटीज किडनी डिजीज को बिल्कुल ही प्रिवेंट किया जा सकता है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि हमें जैसे हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, ओबेसिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट, ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं। हमें रोगों से बचने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जीवन शैली को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हर इंसान को एक बैलेंस फूड लेना चाहिए, अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज मिनिमम 30 मिनट्स करना चाहिए और 6 से 8 ग्लास पानी का जरूर सेवन करना चाहिए। और अगर अपनी लाइफ स्टाइल प्रॉपरली मॉडिफाई करना चाहिए, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो 6S एक वार्निंग है। एस फर्स्ट एस इज हाई शुगर को अवॉइड करो, दूसरा एस हाई साल्ट को अवॉइड करो, तीसरा एस स्टॉप स्मोकिंग, इफ यू आर ए स्मोकर बिल्कुल स्मोक मत करो, एस स्पिरिट जो अल्कोहल को अवॉइड किया जाना चाहिए, और इसके अलावा सेडेंटरी लाइफ को अवॉइड करिए और एडिक्वेट स्लीप लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनड्यू स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप 6S अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करोगे इन बीमारियों से आप जरूर दूर होंगे। तो यह मेरा आप में एक मैसेज यही है कि आप अपने गुर्दे रोग को प्रिवेंट करिए, नहीं कर सकते तो जल्दी से जल्दी अर्ली स्टेज पे रेगुलर स्क्रीनिंग से डायग्नोज करिए, ताकि हम इसका ढंग से इलाज करके किडनी की लाइफ को गेन कर सकते हैं और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट रिक्वायरमेंट को डिले कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर पेइंग द अटेंशन।